हे यू वर्स वाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस चैनल पर, जहाँ पे हम के ड्रामा या के इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। मेरी वॉइस का थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी वॉइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो आज मैं बताने वाला आपको टॉप 5 कंटेंट जो इस वीक में हमारे में के ड्रामा इंडस्ट्री में अपडेट हुए हैं। तो नंबर 1 पर जो निकल के आता है उसका नाम है BTS जिमिन के बारे में। तो BTS के जिमिन की अभी रिसेंट में एक पोस्ट आई है, और उसके साथ कई सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज में उनको टैग किया गया है कोरियन एक्ट्रेस सॉन्ग डाउन के साथ। तो बताया जा रहा है कि इनके बीच में थोड़ी बहुत रिलेशनशिप चल रही है। इसको लेकर जो BTS आर्मी है वो उतनी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि आपको बताइए BTS का कितना क्रेज़ है, और नेक्स्ट जो ईयर आने वाला है उसमें तो हमें BTS का कमबैक भी देखने को मिलेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है मेरे को जो बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, जो है चांगवू के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंट में ही एक इंटरव्यू में बोल गए कि उनको मतलब कि 35 या 34 में जो ईयर है उसमें शादी करनी है। बेसिकली उन्होंने अपना मैरिज प्रपोजल लगा दिया, जिसके ऊपर फैंस जो क्रेजी हो चुके हैं कि क्या ये इंगेज्ड हैं, क्यों इंगेज होने वाले हैं, क्योंकि इतना सडन मतलब इतना स्ट्रेट आंसर देना बिल्कुल मीडिया के सामने, तो आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड अपडेट की ओर। तो थर्ड अपडेट जो निकल के आता है वो है हमारे रिसेंट में लॉन्च हुए कोरियन ड्रामा लवली डिनर के ऊपर, जो हमें इस वीक में एंड देखने को मिला। इसका एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिली, जहाँ पर जो हमारी फीमेल स्टार है वो अपने ड्रीम को पूरा कर लेती है, और साथ में उसको अपना बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है, अपनी रिलेशनशिप भी कम्प्लीट कर लेती है। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ अपडेट की ओर, जो कि निकल के आता है माई डेमन के ऊपर, जिसकी पीछे ने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि जो माई डेमन है वो उसके 16 के 16 एपिसोड आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स देने को मिल गए हैं। तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम पर जाकर के इसको सबको देख सकते हो अगर आपको फ्री में देखना है तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो है फिफ्थ अपडेट जो निकल के आता है ये नए कोरियन ड्रामा के ऊपर, जो है हिराची। अगर आपने बॉयज ओवर फ्लावर देखी है तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर कैसे एक सिस्टमेटिक वो बनाया जाता है, फ्रीडम बनाया जाता है, लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर, जो मतलब रिच स्टूडेंट्स और जो पुअर स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर कैसे स्टोरी चलती है, तो उसके ऊपर ही ये ड्रामा भी होने वाला है। तो जितना लव और सपोर्ट बॉयज और फ्लावर को मिला था, अगर वो सेम देखा गया तो ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा हो सकता है 2024 का। तो इस ड्रामा को आप कितने एक्साइटेड हो मेरे को जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, गुड बाय, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अपडेट पाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस, गुड बाय एंड जय हिंद।